सर्वप्रथम तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस में, बहुत ही अल्प समय में आपने यहाँ पर आके हमको एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। और निश्चित रूप से आपकी ये उपस्थिति इस बात का साक्ष्य बनेगा कि आने वाले समय में हम देवभूमि उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम बनाने का काम करेंगे। और आज का प्रश्न जो हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, इसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि आपकी भागीदारी से और जो हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर बैठे हैं उनकी भागीदारी से हम देवभूमि उत्तराखंड के 13 जनपदों के 300 छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष अपने संस्थान CIMS कंबाइंड इंस्टीट्यूट और UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में, जो IT के क्षेत्र में, जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसे बच्चे जो हाई स्कूल करने के बाद 10वीं और 12वीं करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाते हैं और कहीं ना कहीं गलत रास्तों में भटक जाते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में जहाँ एक और पर्यटन है, जहाँ एक और तीर्थाटन है, जहाँ ये धर्म भूमि कर्म भूमि है, जहाँ ये सैनिक भूमि है, वहीं पर कहीं ना कहीं हम आपदाओं से भी घिरे रहते हैं। अभी आपने, हम सब ने देखा कि कुछ समय पहले जिस तरह से कोरोना महामारी में कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, कई बच्चों ने अपने घर के कमाऊ व्यक्ति को खोया है। आपने आपदा देखी होगी, चाहे वो केदारनाथ की हो, चाहे वो चमोली की हो, चाहे अभी वो पिथौरागढ़ और कपकोट की आपदा रही हो, देवभूमि उत्तराखंड में आपदाएं भी आती हैं। तो ऐसे बच्चे जो इन क्षेत्रों से प्रभावित हैं, जिन्होंने अपने पिता को खोया है, अपने कमाऊ घर के बड़े को खोया है, ऐसे बच्चों को भी हम इन 300 बच्चों में शामिल करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा आपके माध्यम से कि ऐसे बच्चों को हम आपके माध्यम से इस संस्थान तक पहुंचाएंगे, जिनको उनकी योग्यता के अनुसार 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष तक के जो हमारे पास चिकित्सा शिक्षा के, व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स हैं, उनको कराएंगे। राज्य आंदोलन में सर्वाधिक गाया गया, गुरान जी को तो पता है, आप बैठे हैं, उसकी कुछ लाइनें आप पहले का है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूँगा जोशी जी कि इसको, गीत को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आज भी वही स्थितियाँ हैं जो उत्तराखंड से पहले थीं, इसलिए भी ये गीत आज भी समकालीन है। रे जागो जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो, वीर भूमि के वीर सपूतों जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो, लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें हैं, मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड, मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो, जागो दीदी जागो, भोली जागो, वीरों जागो, जागो ईजा जागो, माँ जी जागो, वीरों जागो। सबसे अनुरोध करती हूँ कि इतना पुण्य का काम भाई ने उठाया है, हर किसी के बस की बात नहीं थी जो, और इनको ऐसा रास्ता भगवान ने दिया है। भगवान भी उसी इंसान को ढूंढता है किसी भी कार्य के लिए जो उसमें सक्षम होता है, और उसकी परीक्षा भी वही ईश्वर बार बार लेता है क्योंकि वो परीक्षा देने लायक होता है, और आज परीक्षा पास करके आज भाई यहाँ तक पहुँचा, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे कलाकार मैंने देखे जिनके खाने के लिए नहीं है। अभी कोरोना काल में मैं गई, जब मैंने बहुत सोचा था कि हीरा लाल जी से बात करूंगी, मैं 90 साल के थे उस समय वो, तो मैंने कहा उनसे बहुत कुछ मैं अर्जित करूंगी, तो क्योंकि अपने आप में आदमी संपूर्ण नहीं हो सकता। अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन, शिक्षा से बड़ा कोई भी एसेट नहीं हो सकती। मेरे यहाँ अगर कोई छोटा स्वीपर भी काम करता है, मैं उसे कहता बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाई आपके काम आएगी, आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हो सकती है। हमारे साथ हेमंत पांडे जी बैठे हुए हैं, कलाकार हैं, लेकिन डेफिनेटली एजुकेशन से जो बेस बनता है वो कहीं नहीं बनता है। और गरीब से गरीब बच्चा जब पढ़ता है तो वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर पाता है। जो इन्होंने स्टेप लिया है कि पत्रकार के बच्चों को,
जो हमारे स्वतंत्र जो हमारे जो उत्तराखंड जो हमारे इसमें उसमें आंदोलन में रहे उनके बच्चों को और जो भी गरीब गरीब परिवार के बच्चों को जो उन्होंने एक छोटी सी मदद एक एक इनिशिएशन जो लिया वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। और यहाँ मंच पे इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, यहाँ पे है माधुरी जी है, मैं अतुल शर्मा जी को तो मैं क्या मतलब सबके नाम नहीं दे सकता हूँ, मैं सौभाग्य है कि आपने मुझे यहाँ पे इंक्लूड कराया और मैं बहुत बहुत शुक्राना है। पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा रोल था, समाज में सबसे बड़ा रोल आपका है, आप लोगों की सोच बदल देते हो, सोच बदल देते हो, ध्यान रखिएगा, और सोच से ही सारी दुनिया चलती है। निश्चित रूप से क्योंकि हमारे प्रदेश में लगभग 400 से अधिक कॉलेजेस हैं और छोटे पॉलिटेक्निक आईटीआई और उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा की बात करें तो लगभग 6-7 विश्वविद्यालयों से संबद्ध पूरे उत्तराखंड में 500 से अधिक संस्थान हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हर संस्थान इस तरह से सोचता भी होगा और निश्चित रूप से करते भी होंगे। मैं जी ये तो नहीं कहूँगा कि हम पहले व्यक्ति हैं जो इस काम को कर रहे हैं, हम तो ये राम की सेना में एक गिलहरी के रूप में हमें ये समझ में आया कि नहीं हमको इसको एक भव्य आंदोलन के रूप में अपने पहाड़ के बच्चों के लिए, अपने राज्य आंदोलनकारियों के लिए, अपने समाज की संस्कृति सभ्यता को लोग जो आगे बढ़ा रहे हैं उनके लिए कुछ सोच के हमें इस विषय को रखना चाहिए। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है क्योंकि मैंने कोरोना और इससे पहले भी लगातार 12 वर्षों से मैं शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हूँ, हमने ऐसे बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से और उस माँ भगवती की कृपा से जिस माँ के मंदिर में आज से 20 साल पहले मैंने प्रसाद बेच के अपने लिए पहली बार साइकिल खरीदी थी, जैसा अभी दाजू ने आपको बताया, उसकी कृपा से आज अगर हम यहाँ पर हैं तो मुझे लगा कि हमारे पास शिक्षण संस्थान है, पढ़ाने वाले टीचर हैं, हमारे पास सीटें हैं, तो क्यों ना हम ऐसे बच्चों को आगे पढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाने के साथ पढ़ाने के साथ उनको रोज़गार देने का भी हम सुनिश्चित करेंगे। हमारे साथ दो हॉस्पिटल हमारे एसोसिएट हैं जिसमें से हमारा अपना हॉस्पिटल CMI हॉस्पिटल है, दूसरा कैलाश हॉस्पिटल है, उसके पवन शर्मा जी आज अभी बाहर हैं, उनका भी संदेश था कि जहाँ पर भी स्वास्थ्य के बच्चों की प्लेसमेंट या उनकी ट्रेनिंग की बात होगी तो डॉक्टर कुड़ियाल जी के और पवन शर्मा जी के सानिध्य में हम लोग काम करेंगे। और चूँकि मेरे वहाँ जो कोर्सेज हैं 29 कोर्सों को हमने सेलेक्ट किया है, 29 विषयों को हमने सेलेक्ट किया है जिसमें पैरामेडिकल के 8-10 कोर्स हैं, रेडियोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, डायलिसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, BSc IT, BBA, BCA, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, अकाउंटिंग, आपका BA BCOM, BSc ऑनर्स, इसके अलावा मास कम्युनिकेशन, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म से लेके तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने में अमूमन बच्चों के आर्थिक स्थिति, क्योंकि मैं पहाड़ों में जाते रहता हूँ, जिनके घर में खाने के लिए बहुत बमुश्किल अनाज होता है, वो 3 साल की फ़ीस 4 लाख कहाँ से देंगे। तो मेरे मन में ये इच्छा आई कि अगर हमारे क्लास में 40 बच्चे फीस देने वाले पढ़ रहे हैं, 45 बच्चे फीस देने वाले पढ़ रहे हैं, तो 15 बच्चे ऐसे भी पढ़ें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं।